गोरखपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों में 24 घंटे के बीच रविवार को गोरखपुर में 295 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। गोरखपुर में अब कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 7303 हो गई है, जिनमें से 1124 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, तो वहीं 1162 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। होम आइसोलेशन इज ओवर मरीजों की संख्या 3313 है। आज कोरोना संक्रमित गोरखपुर में एक मरीज ने दम तोड़ दिया। गोरखपुर में अब तक कोरोना संक्रमण ने 104 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। स्वास्थ्य विभाग के जारी आंकड़े के अनुसार गोरखपुर में रविवार को 295 नए केस सामने आए हैं, उनमें शहरी क्षेत्र के 160 जबकि ग्रामीण क्षेत्र के 117 सहित अन्य 18 मरीज शामिल हैं। शहरी क्षेत्र में जो 160 नए केस सामने आए हैं, उनमें शहरी क्षेत्र में 160, ग्रामीण क्षेत्र में 117 व अन्य 18 मरीज पाए गए हैं। आज शहरी क्षेत्र में जो 160 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं, उनमें शाहपुर क्षेत्र में 32, कैंट क्षेत्र में 31, कुलहरिया क्षेत्र में 6, गोरखनाथ क्षेत्र में 46, कोतवाली क्षेत्र में 20, राजघाट क्षेत्र में 8, रामगढ़ताल क्षेत्र में 13, तिवारीपुर क्षेत्र में 2 व चिलुआताल क्षेत्र में 2 मरीज मिले हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 117 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, उनमें बांसगांव क्षेत्र में 5, ब्रह्मपुर क्षेत्र में 1, जंगल कौड़िया क्षेत्र में 7, पाली क्षेत्र में 1, सरदारनगर क्षेत्र में 8, बड़हगंज क्षेत्र में 5, कैंपियरगंज क्षेत्र में 6, कौड़ीराम क्षेत्र में 3, पिपराई क्षेत्र में 7, बिलघाट क्षेत्र में 2, चरगावां क्षेत्र में 15, खजरी क्षेत्र में 1, पिपरौली क्षेत्र में 7, बठट क्षेत्र में 10, गगा क्षेत्र में 2, खोराबाद क्षेत्र में 35, सजनवा क्षेत्र में 2 व अन्य 18 नए संक्रमण के सामने मामले आए हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉ. श्रीकांत तिवारी ने की। उन्होंने बताया कि संक्रमित के मरीज पाए गए मरीजों की कोरोना जांच कराई जाएगी।